हे गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप जो है अपनी फ़ोटो को किस तरह से एडिट कर सकते हैं एक प्रोफेशनल तरीके से। आपने देखे होंगे कि बहुत सारे जो फोटोग्राफर है वो अपनी फ़ोटो को बहुत बेटर तरीके से कस्टमाइज़ करते हैं, बहुत ब्यूटीफुल से बैकग्राउंड जो है उसमें एडिट कर देते हैं, और आप लोग गेज़ भी नहीं कर पाते हैं कि जो फ़ोटो है ये फ़ोन से ली गई है या फिर एक महंगे से DSLR कैमरे से। तो गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ आपको इस फोटो एडिटिंग के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले बता दूँ कि अगर आप एक यूट्यूबर है या फिर आप फोटोग्राफी में एडिट करते हैं या फ़ोटो एडिट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आप लोगों के लिए वीडियो होने वाला है। एंड अगर आप एक नॉर्मल पीपल हैं और आप फोटो एडिटिंग का शौक रखते हैं तो आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको जो फोटो जो एडिट करना है उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो कोई भी एक फोटो कैप्चर करनी पड़ेगी नॉर्मल सी, जैसी मैंने ये फोटो जो है कैप्चर करके रखा हुआ। इसका जो बैकग्राउंड है ये नॉर्मल बैकग्राउंड है, अभी मैंने इसको एडिट नहीं किया, लेकिन अब मैं इसको जो है वो एडिट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको आपके फ़ोन के जो है इंटरनेट के ब्राउज़र को कनेक्ट कर लेना है, या जो भी आपके डिवाइस में क्रोम या यूट्यूब ब्राउज़र जो भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पर आपको एंटर होना है। और एंटर होने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है remove bg, जैसे कि आ चुका है remove bg। इस टाइप से आपको जो है क्लिक कर लेना है और एक पेज है वो है आपके डिवाइस में ओपन हो जाएगा remove bg के नाम से। इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पर आपको इस टाइप से का कुछ यूज़र इंटरफेस दिखेगा, और सबसे ऊपर में ही आपको मिल रहा है अपलोड इमेज का ऑप्शन, यहाँ पर आपको इंटर होना है। और इंटर होने के बाद आपको एक फ़ोटो जो है वो सिलेक्ट कर ली, जैसे कि मुझे, मैंने यहाँ से पहले से एक फ़ोटो सिलेक्ट करके रखा हुआ है। गाइस, मैं यहाँ पे कैमरे में जा चुका हूँ। तो इस टाइप से जो है आपको अपलोड इमेज के ऑप्शन में जाना है और फ़ोटो लाइब्रेरी से एक फ़ोटो आपको जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। मैंने ये जो फ़ोटो है इसे सिलेक्ट कर ली है, अब मुझे जो है इसको एडिट करना है। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप देख पाने कि जो आपके जो फोटो का जो बैकग्राउंड है वो वाइट हो चुका है, मतलब थंबनेल में जो है आप ये फ़ोटो लगा सकते हैं, और बहुत अच्छी जो थंबनेल है इससे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अब मैं इसको कर लेता हूँ एडिट। तो आपको सबसे पहले आप एडिट के ऑप्शन में जाना है, और एडिट के ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर जो है बहुत सारे ऑप्शंस अभी ओपन हो जाएंगे, जैसे कि जो वीडियो है इसमें जो देख पा रहे हैं आप जो इमेज है वो लोडिंग हो रही है, और बैकग्राउंड जो है यहाँ पर आपको ओपन होकर होने वाले हैं कुछ ही देर में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो बैकग्राउंड है वो ओपन हो रहे हैं, हो सकता है थोड़ा लेट है, मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो थोड़ा सा स्लो है, लेकिन आपका अगर इंटरनेट फास्ट है तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि देख पा रहे हैं कि बस जो है बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, और मैं इनको जो है एडिट भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है अपनी फ़ोटोज़ के लिए। जैसे मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, कुछ ही देर में यहाँ पर जो है आपको बैकग्राउंड देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो बैकग्राउंड है ये मेरा जो सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से आप इसको ब्लर भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कस्टमाइज। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं जिसको कस्टमाइज़ कर रहा हूँ, इस टाइप से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वैसे इसको नॉर्मली रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इस टाइप से आप इसको एडिट कर सकते हैं। और यहाँ से आपको जो है वो डाउनलोड कर लेना है, ये डाउनलोड इमेज का ऑप्शन है। फाइनली आपकी जो इमेज है वो डाउनलोड हो चुकी है, और आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी इमेज है वो काफ़ी ब्यूटीफुल हो गई, इसका जो बैकग्राउंड है वो टोटली चेंज हो चुका है। तो इस टाइप से आप अपनी फ़ोटोज़ को जो है अपडेट कर सकते हैं या उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ब्यूटीफुल बना सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपको इसे मिलते हैं, जो भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। गाइस, तो ओके गाइस, बताइएगा आपको कैसा लगा ये फीचर्स, एंड आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।